हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडिया रिएक्शन। आज का वीडियो आपके साथ उनका देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान, मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे ये वो है सरोजनी नगर, एक्सक्यूज मी ब्रदर, स्टैंड अप कॉमेडी है। सो एक्सक्यूज मी ब्रदर, लास्टली हमने कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज देखी थी जिसके बाद इसकी एक सजेशन आई है। वैसे हम आजकल बहुत ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडीज देखने लगे, हमें हंसने का दिल कर रहा है। हां, क्योंकि जिंदगी में दुख हो जाता तेरे, तो फिर क्यों इतना स्टैंड अप कॉमेडी क्यों जरूरत है तुझे खुश रहने के लिए? मैंने कब कहा मुझे जरूरत है, मैं जस्ट अ फैक्ट, हम बहुत ज़्यादा देखने लगे। ठीक हो गया, बादाम खाया कर थोड़े, दिमाग शार्प हो। लेट्स सी, मैं बादाम भिगो के रखता हूँ ठीक है, लेकिन वो मुझे खाने याद नहीं रहता। ये ठीक हो गया, ये बड़ा अच्छा जोक था, तूने बड़ा गर्क कर दिया, बोलने नहीं दिया। उसने कहा देख, मुझे किसी ने कहा दिमाग तेज करने के लिए बादाम खाया, मैंने बादाम भिगो के रखे, सुबह खाना भूल गया। सारों को समझ आ गया था पहली दफा। अच्छा बताता मैं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट्स जोक्स एक्सप्लेन कौन करता है यार, शट अप। इतने कैसे जोक्स हैं तेरे जो एक्सप्लेन करने पड़ते हैं? एक्टिंग देखो, जैसे यही हो गया कपिल शर्मा। चलो जी, हम वीडियो देखते हैं, इग्नोर क्या करें ऐसी बातें। सो लेट्स सी द वीडियो। और वीडियो देख, कोई लड़की बिठाऊंगा यहां पर, ऐसी एक्टिंग हो जाता ठीक कर लेगी। लड़की ले आना, तो लड़की वाले। ओ लेट्स सी, वेरी फनी। तेरा जोक ज्यादा फनी था वैसे। हम वीडियो देखते हैं, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल। आज नहीं देखेंगे, आई एम नॉट जोकिंग, डिस्क्लेम। बट दिल्ली की ना एक जगह है जो मेरी फेवरेट जगह है, ठीक है, उसका नाम है सरोजनी नगर। ओके ठीक है, इट्स अ फ्ली मार्केट, जैसे आपके यहाँ है ना लिंकिंग रोड, हिल रोड, फ्ली मार्केट समझते हो आप, जहाँ वो चल रहा था लूट लो आराम से। गिर गया क्या? भैंसों की चल चलते भर जाती, क्या गिर गया? पूरा तो बता, नोटी। ये मार्केट पता क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ना बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, पर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिलता है। आपको कोई आइडिया नहीं है यार, जितने लोगों को लगता है ना कि दिल्ली बहुत रूड है, बहुत अग्रेसिव है, एक बार सरोजनी चाहिए। रैंडम लौंडे, रैंडम आपको इतने प्यार प्यार से बुला रहते हैं, एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर टी शर्ट, एक्सक्यूज मी सिस्टर जॉब, एक्सक्यूज मी, इतने प्यार से सगे ब्रदर ने नहीं बुलाया कभी। और ये नॉर्मल टोन नहीं होते इनकी, ये पता है ये 5 फुट के लौंडे होते हैं, इनके 3 फुट के स्पाइक्स होते हैं, इनके शरीर पे कहीं भी पियर्सिंग हो रखी होती है, जीप पे झुमका है, मतलब एक स्कार, आप शक्ल देख के बता सकते हो कुछ देर रात को बोरियों में लाश वाश पैक करते हैं, मतलब कुछ कुछ है इसका, मेन काम ये नहीं है। पर आपके आते हैं, एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर इधर, सारा मेरा मोटा, मतलब ये मीठा सोल आपके मुंह से निकल रहा है यार। इन लौंडों में ना कुछ कन्विंसिंग पावर होती है कि आप इनके मुंह पे ना पहली बारी में मना ही नहीं कर सकते। एक बार मैं सरोजनी में जा रहा था, मेरी पीठ पे एक हाथ आ गया, अरे ब्रदर सब ठीक है? सब ठीक है ना, चलिए फिर टी शर्ट देखते हैं। यार मैं चला भी गया, मैं 2-3 देख भी ली, फिर मुझे रिलैक्स हो गया, साले मेरे को लेनी नहीं है यार। तो वश-वश में कर रहते हैं यार, ये कौन से एमबीए स्कूल से पढ़ के आए हैं, ये मार्केटिंग सेलिंग टेक्निक कहाँ सिखाई जा रही है यार? क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके होते हैं इनके यार फंसाने के। एक बार हम 3 दोस्त जा रहे थे, फिर से आवाज आई, एक्सक्यूज मी ब्रदर। मैं कहा हाँ ब्रदर, आपने जीन्स बोली थी वो आ गई है। नहीं यार मैंने नहीं बोली थी। ओ ब्रदर आपने नहीं बोली थी, ओके पर ब्रदर आ गई है तो देख लेते, चलिए ब्रदर जी सिखाए जाए। फिर ले गया मेरे को, वहां एक बंदा जीन्स खोल के खड़ा, मेरी टांगे डाल दी उसमें उन्होंने यार, यहां तक लेके घूम रहा हूं मैं जीन्स, अब तो खरीदनी पड़ेगी ना, प्लानिंग देख रहे हो आप। एक बंदा यहाँ ना बेल्ट बेच रहा था, ठीक है भाई, वो भी एक अलग कैरेक्टर होता है यार। देखो नॉर्मल बेल्ट खरीदने का क्या तरीका होता है कि आप शॉप पे या शोरूम में जाके ऐसे दीवार पे या रैक्स पे बेल्ट होती है, आप चूज करते हो। ये आदमी अपनी गर्दन पे 70 बेल्ट पहन के घूम रहा है यार, बेल्ट पहन के घूम रहा है, ऐसे बक्कल यहाँ लटक रहे हैं सारे इसके, और ना एक इसके हाथ में लिपटी होती है ऐसे, और ये ऐसे खड़ा रहता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम हार्मलेस बंदा लगता है आपको कि। पर जैसे ही तुम इसके सामने से निकलो ना, ये बेल्ट खोल के तुम्हारे पैरों के आगे मारता है। क्या क्या ब्रदर
बेल्ट बेल्ट ब्रदर गान मिलेगी आपके पास क्योंकि ये वाली फाड़ दिया आपने ये जो आपने मेरे सामने मनुवस किए ना ये मेरी फट गई है तो बेल्ट नहीं स्पेयर गार्ड लगा दीजिए आप इसका मैं क्या करूं यार इसको बेच देते एक्सक्यूज मी ब्रदर गार्ड फटी गार्ड ब्रदर यार ये कौन सा तरीका बेल्ट बेचने का हाँ ये कौन इंप्रेस हो रहा है इससे ये कौन से कस्टमर हैं जो मार्केट में आके कह रहे हैं भाई साहब एक बेल्ट दिखाइए उसकी फिटिंग नहीं उसकी हिटिंग बढ़िया होनी चाहिए मैंने उससे जाके पूछा मैं कहा भैया ये बेल्ट कमर पे कैसी लगेगी जोर से लाल कर देगी पीछे मुड़ो डेमो देता नहीं नहीं मैं नाड़ा पहनता हूँ मैं तो ऐसे पूछ रहा था आपसे भाई इस बंदे से ना बार्गेनिंग मत करना कभी इसने 250 बोला चुपचाप 250 की ले लो इसको मत बोला क्या भैया 200 लगा लो ना यार अरे आप वर्थ देखिए ना क्वालिटी अरे खून निकाल जा रहे है वर्थ है जेन्युइन लेदर है भाई साहब 50 का वर्थ है ये तो कौन है इसकी टारगेट ऑडियंस कोई तो टीजी इसकी भी है ना क्योंकि इतने सालों से धंधा चल रहा है इसका मुझे लगता है इसकी टारगेट ऑडियंस है वायलेंट फादर्स हरामी बाप नहीं होते जो वो क्लाइंट है इसका वो मार्केट में आते खुश थे सर आगे सर आई 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 इतने दिन बाद आए सर देखिए नया माल आया ये यूनिट टेस्ट वाइवा वगैरह के लिए ये सर मोटा बक्कल है ये 10-12 के बोर्ड्स के लिए ये सर जनरल फन बेल्ट्स पानी की बोतल क्यों नहीं भरी फटैच शिमला घूमने जाएंगे हैं नाइट आउट फटैच जनरल फन बेल्ट सर सर ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सर इधर आइए आप देखिए ये अगर आपके बच्चे कॉलेज के बाद कह रहे हैं वो पैशन फॉलो करेंगे डांसर सिंगर ये सब बनेंगे ना एनजीओ खोलेंगे हैं सर ये एमबीए कराती है सर इसको हम बोलते हैं कैट बेल्ट आप उसकी पीठ पे मारेंगे उसके मुंह से निकलेगा कैट ठीक है सर 2-3 मारेंगे एनमैट जैट सारे पेपर देगा सर वो और सर दोनों तरफ से मारना वरना क्या रिटर्न क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू रह जाएगा फिर आप आके हमें बोलेंगे और सर वो साइड वाली दुकान से मत लेना सोनू की दुकान से उसकी दुकान से लो ना प्राइवेट कॉलेज निकलते हैं एमिटी शारदा वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू वी आर इन गुड कॉलेजेस आप हमारी बेल्ट लीजिए सर आई एम अहमदाबाद निकलवाएंगे हम फर्स्ट अटेम्प्ट ये देखिए सर टॉपर्स की फोटो देखिए आप वो नहीं होती कोचिंग सेंटर के बाद टॉपर्स की फोटो लगी होती है इसने वही फोटो नंगी पीठों के साथ लगवा रखी है सर देखिए राहुल पीठ देखिए कितनी लाल है 25 लाख का पैकेज सर हमारी बेल्ट है सर मैं खुद आई एम ड्रॉप आउट हूँ सर बहुत ज़बरदस्त लौंडे होते हैं यार ये उस दिन मैं जा रहा था सरोजनी में एक बंदा मेरे पास आया कह रहा ब्रदर गॉगल्स भाई उसने पहना दे मुझे छुए बिना मैं तो इम्प्रेस ही हो गया यार मैं कहा तू प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं खड़ा हूँ किसने गॉगल्स पहना दिए मैं चल रहा हूँ सडनली गॉगल्स आ गए हैं ऐसा यहाँ से रेबैन लटक रहा है सब कुछ काला काला दिख रहा है मुझे मैं कहा भाई जादू कर रहे हैं क्या आप जरा कबूतर भी निकालिए फिर यहाँ से यार मैं खुद का चश्मा खुद को छुए बिना नहीं पहना पाता हूँ ये बंदा 150 ब्रदर पर अब ये चीज़ हो गई कि ना ये इस मार्केट में ना आपसे बिना पूछे आप पे चीज़ें ट्राई व्राई कर देते हैं वो इंसिस्ट करना बंद कर दिया एक्सक्यूज मी वो सब पहला बड़ा मजा आता था एक्सक्यूज मी सिस्टर अरे जीजू भी आए हैं जीजू जीन्स सिस्टर के लिए कपल एक्सक्यूज मी लवली कपल सब मजे लेते रहते थे यार ये लोग अब वही बिना पूछे प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं उस दिन किसी ने ना मुझे हेड मसाज दे दी वो नहीं तो एक हेड मसाजर है वो ऐसे लोहे की डंडियां ऐसे फैल जाती हैं सर पे यार मैं चल रहा हूँ मार्केट में पीछे से धुर क्या क्या एंजॉय किया ना हाँ थोड़ा सा 30 रुपीज
30 रुपए देने पड़े यार। उसको देख के ना एक बंदा मेरी पीठ पे खुजली करने लग पड़ा। वो एक डंडी आती है उसके आगे कार्टून के दो दांत ऐसे होते हैं, देखा आपने, वो बुड्ढे आड़े खुजली नहीं करते थोड़ी, पीछे पड़ गया, भैया ले लो, भैया कहाँ भाग रहे हैं, ले लो भैया, भैया 6 किलोमीटर हो गए अब तो ले लो। आप सोचो कितना वियर्ड हो जाएगा सारे दुकानदार ऐसी अथॉरिटी लेने कि आपसे पूछे बिना आप पे प्रोडक्ट ट्राई ही हो जाता है। तुम मार्केट में घूम रहे, एक बंदा आएगा, सर ना ट्रिमर है, ट्राई करेंगे? ट्राई? गंजा कर दिया भैंस एक तरह से, ये तो पहले पूछना होता है, ये लेकर कहाँ घूमू मैं, या तो यहाँ से भी कर बैकअप बना दे मुझे, नहीं जींस आई है ब्रदर की पैंट उतारो, बहुत बढ़िया, अरे कच्छा भी नहीं पहना, पॉपी शेम ब्रदर। मार्केट में नंगे आ गए हैं यार, छी 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 छी, अरे बड़े नंगे से आता है, कॉन्डम ट्राई करेंगे, ये देखिए 10 साल से बेच रहा हूं ब्रदर ऐसी फिटिंग। ब्रदर कॉन्डम यार एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन, मैं अपने 1 घंटे के सोलो शो के साथ बहुत सारी सिटीज में टूर कर रहा हूँ, टिकट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो मेक श्योर टू चेक द टिकट लिंक्स, आपको इस चैनल का, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, और ये फरवरी की वीडियो है तो फुली अभी चल रहा होगा। सो दिस वाज टू फनी यार, दिस वाज रियली गुड वीडियो, और ये जो मार्केट की बात है ना, राजा बाजार में जाए तो मिलता जुलता ही सिनेरियो होता है, इतना नहीं लेकिन मिलता जुलता होगा, तूने तो जैसे जस्टिफिकेशन दी थी इतना नहीं, जैसे यार वो चलते चलते सर वाला सीन तो बहुत होता है, है ना, वो कर देते हैं, और वो ग्लासेस वाला भी वो पकड़ के खड़ा होता है, बस आप ऐसे करते हो तो वैसे कर देता है, लेकिन चलते चलते पहनाने वाला। तो ये सरोजनी नगर जो है वहाँ का राजा बाजार है, यहाँ पे राजा बाजार है पिंडी, यहाँ पर है ऐसा सीन, तो ये हर जगह होता है मेरे ख्याल से, हर सिटी में जो पुराने शहर जितने भी है ना वहाँ पे हर जगह सब में एक मार्केट होती है, जहाँ आवाजें आ रही होती है, लूट मच गई, लूट मच गई, ले जाओ पता नहीं, बस आखिरी 4 पीस रह गए हैं, और बड़े मजे से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को ना कॉमेडी में टर्न किया, और ये होता है, मतलब आप जा रहे होते हैं और कोई भी भाई शर्ट जीन्स ये वो सारा कुछ, और फिर वो आपको लेके सीधा शॉप पे, है ना, कुछ कुछ और... साथ साथ चलते रहते हैं, ले 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 ले, जब तक उनसे अच्छी तरह ये बात ना करो या उनको नहीं लेनी, बिल्कुल फाइनल, जान नहीं छोड़ते। ठीक हो गया भाई, सही हो गया, तो ये है, लेकिन मतलब हर जगह की एक अपनी ब्यूटी होती है, बट स्टैंड अप कॉमेडियन ये जो हैं इनकी खास बात ये होती है कि ये ऑब्जर्वेशन को बड़ी चीज ही ऑब्जर्वेशन अच्छे तरीके से एक स्टोरी बना के ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिससे ये चीज और ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाती है, वरना ये वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आई एम श्योर सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर किए होंगे, बिल्कुल, बट इस तरह से जितना एंटरटेनिंग हो जाती है, बेल्ट मारने वाला नहीं हुआ यार कभी, बेल्ट हाँ वो मारने वाला सीन नहीं होता, जैसे जान ही निकल जाए, बेल्ट ऐसी कौन सी मारी है भाई के साथ, ऐसा कुछ हुआ होगा मतलब हाँ वो इस तरह करके कोई ट्रेनिंग कराता, बट ठीक है भाई हुआ होगा, वैसे वो उठा के फिरने वाले, बल्कि वो होता है यार स्टैंड होता है जिसके ऊपर वो, लेकिन ये बात सही है, मतलब ऐसी मार्केट्स में अगर आप रुक गए हो एक बार तो वो मेक श्योर करता है कि आप कुछ ना कुछ लेके जाओ, ऐसे आपको इतनी आसानी से वो जाने नहीं देते। सो तो बहुत अच्छे से कॉमेडी की हुई थी, ऐसे कौन से एक्सपीरियंस हैं आपके जिनमें इन सारों में से कुछ हुआ हो आपके साथ? वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस फर्स्ट? बता दिया मैंने पहले, एक बात हुई कि वो जान नहीं छोड़ते, पीछे पीछे साथ साथ चलते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस नॉर्मल है, वो जो वो वाला नहीं हुआ, कौन सा वाला? बेल्ट वाला वो नहीं हुआ, वो अगर आप में से किसी के साथ हुआ तो मैं शेयर करें। हाँ बिल्कुल, और अगर आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप क्लियर नहीं कर पा रहे तो अपने पापा को भेजें तो मे बी वो उससे कुछ फायदा हो जाए। खैर ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस किसी ना किसी किया होगा, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करके बड़ा एंटरटेनिंग बना देते हैं, और ये वीडियो एंटरटेनिंग थी, मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर दिस सजेशन। कोई वीडियो जो आपको लगे इंफॉर्मेटिव एंटरटेनिंग पॉजिटिव वीडियो डू शेयर विद अस, आप लिंक हमें कमेंट में भी दे सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा इंस्टाग्राम का। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।